क्यों अर्श का घर छोड़ना पड़ा आशिका को भारी, क्या सभी मांगेगी अपनी गलती की रजत से माफी, क्यों सही की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मचा बवाल। स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आपको देखने को मिलने वाले हैं काफी ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी हाँ, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने शुरू करवा दिया है रजत और सभी के बीच रोमांस, जो कि इस शो के ऑडियंस को बेहद ही पसंद आ रहा है। इतना ही नहीं, शो के अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जैसे ही सभी को पता चलेगा कि रजत ने उसके लिए स्टैंड लिया था तो वो फौरन ही रजत के पास जाएगी, लेकिन बता दें कि वहीं दूसरी ओर रजत शावर ले रहा होगा और इसी दौरान पानी चला जाएगा, जिसके बाद वो घर के सभी लोगों को आवाज देगा लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनेगा। ऐसे में माफी मांगने आई सभी को रजत की आवाजें सुनाई देंगी, जिसके बाद वो रजत की हेल्प करने के लिए उसे पानी ला के देगी। लेकिन बता दें कि इस दौरान भी आपको देखने को मिलने वाला है रजत सभी के बीच काफी ही ऑकवर्ड मोमेंट। हालांकि सभी रजत से सॉरी बोलने की कोशिश करेगी लेकिन रजत ऑफिस चला जाएगा। ऐसे में सभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल चली जाएगी, लेकिन इसी बीच उसे बीच सड़क पर नजर आने वाली है तारा। हालांकि सभी को लगेगा कि वो तारा जैसी ही कोई दिखने वाली दूसरी लड़की होगी और उसे नजरअंदाज करके स्कूल के लिए रवाना हो जाएगी। स्कूल पहुंचने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अटेंड करते हुए नजर आने वाली है। इसी बीच वहां पर सही के पापा यानी कि रजत की एंट्री होगी, जहां पर रजत और सभी एक बार फिर से एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सभी रजत से उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी भी मांगेगी, लेकिन रजत उसकी माफी नहीं लेगा। वहीं दूसरी ओर अर्श का घर छोड़ने के बाद आशिका को उठानी पड़ रही है काफी सारी दिक्कतें, जहां आप देखेंगे कि आशिका अर्श का घर छोड़ने के बाद अपने बेटे के साथ एक होटल में शिफ्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब कियान अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की बात अर्श के घर पर करने की करेगा तो आशिका परेशान हो जाएगी। वो उसे समझाएगी कि वो उसका बर्थडे अर्श अंकल के घर से भी अच्छी जगह पर सेलिब्रेट करेगी। इसी बीच होटल रिसेप्शनिस्ट का कॉल आशिका पर आ जाएगा, जो उसे बिल पे करने को कहेगी। जब आशिका उसे बिल के अमाउंट के बारे में पूछेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसके 4 दिन का बिल लगभग 3 लाख रुपए होगा, जिसे सुनने के बाद उसे एहसास होगा कि उसने अर्श को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सभी सुनाने वाली है रजत से पहली बार अपनी मिलने की कहानी, जहां वो सबसे शेयर करेगी रजत से पहली बार मिलने का अपना एक्सपीरियंस और सुनाएगी सबको अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत कहानियां। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करेगी आशिका अपने बेटे कियान की महंगी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। क्या वापस चली जाएगी अर्श के पास या फिर दोबारा से आने की कोशिश करेगी रजत की जिंदगी में। क्या होगा सीरियल में नया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।